मेहमानों की अर्थी, अरे व्हाट टू टेल यू डार्लिंग क्या हुआ। तौबा तेरा जलवा, तौबा तेरा प्यार, तेरा इमोशनल अत्याचार। मुझे नाइंसाफी दिखाकर खुदा ने इंसाफ सिखाया, दर्द बेइज्जती जुल्म का सामना करके मुझे लड़ना सिखाया, उन लोगों की मदद करना सिखाया जो खुद की मदद करने के काबिल नहीं है। इसको याद रखना जिंदगी भर। कुछ बातें हैं जिन्हें जहन में डालकर गांठ बांध लो। ये मेरा घर है और मेरे घर में रहना है तो मेरे नियम कानून से रहना होगा। कल तुम मेरे साथ फैक्ट्री चलोगे। एड़ी कोमल थी जब आए थे, थोड़ी सी नाजुक है अभी भी। तेरा ड्रीम बिजनेस क्या है? मुझे राइटर बनना है। इन खट्टी मीठी यादों की शरारत जब तक इन्हें गुदगुदाती रहे। सर सच भूल गए हैं जूते कहाँ उतारे थे, पर लगता है कि अब उनकी जरूरत है। मैंने फैसला कर लिया है, मेरा सच मेरे अनुभव का सच होगा। मैं हर उस बात को मानने से इनकार कर दूंगा जिसे मैंने खुद देखा या सुना ना। मैंने शेर को दहाड़ते हुए नहीं सुना, कभी नहीं। शेर 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 दहाड़ता नहीं है। अब दिमाग खराब कर रखा है। अगला अगर शेर गूंगा हुआ तो क्या करेंगे फिर? बोलेगा मुझे ऐसी जगह काम ही नहीं करना जहाँ बार 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 झूठ बोलना पड़े। अरे सुन रहे हो, इनके तो बाप दादा की बहुत जायदादें पड़ी हैं, सोने की खाने पड़ी हैं, ये क्यों करेंगे नौकरी? बंदा मार दो तुम अनुभव के चक्कर में। अपनी आंखों देखी पे यकीन ना करें, दूसरे जो कहें उसको मान लें। आप पूछ रहे हो ना क्या दिक्कत है? यही दिक्कत है, इन्हें बोलने की बीमारी हो गई है। इन्हें ठंडे आ जाते हैं, ये बड़बड़ बड़बड़ किए रहते हैं। घर में बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में।